नमस्कार, दिस इज द प्योर मैग्नेट। और आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूं, एक हीरो के बारे में। आपके लिए हीरो कौन है? यदि आप किसी को पूछेंगे कि आपका आइकन, पर्सनल आइडल कौन है, कोई कहेगा किसी फिल्म स्टार का नाम या किसी खिलाड़ी का नाम। लेकिन आज जिस हीरो के बारे में मैं बात करने वाला हूं, मैं उनका फैन हूँ। और वो हमारे देश का एक 21 साल का नौजवान है। उनका नाम है गोपाल जी। जी हाँ, वो बिहार से है और वो हमारे देश के एक नौजवान वैज्ञानिक है। ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। और दिलचस्पी की बात तो यह है कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना इन्वेंशन दिखाया। वो एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का बैकग्राउंड है फार्मिंग बैकग्राउंड, और बहुत गरीबी में पलने के बाद वो आज एक बड़े मुकाम पर खड़ा है। और मैं आपको बताता हूँ वो मेरे लिए हीरो क्यों है। गोपाल जी, क्या आप गोपाल जी के बारे में जानते हैं? यदि आप किसी को पूछेंगे, खिलाड़ी का नाम अच्छी तरह से जानते हैं, कोई फिल्म स्टार का नाम, लेकिन इस वैज्ञानिक को शायद ही कोई जानता हो। इसलिए मैंने सोचा कि गोपाल जी के बारे में मैं आपको बताऊं। तो उनका जन्म हुआ 24 अप्रैल 2000 में, अर्थात अभी उनका उम्र 21 है। जब वो स्कूल में पढ़ते थे 9वीं कक्षा में, वहाँ पे उनके जो बिहार में जिस गांव में वे पले बड़े हैं, तो देखा कि वहाँ पे जो बनाना प्लांटेशन है, वहाँ का जो स्टेम है वहाँ से जूस निकल रहा है, और जूस में होता है एसिड, और एसिड का प्रयोग किया जाता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्शन के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ इलेक्ट्रोड्स लिए, उसको सेल के साथ कनेक्ट किया, उस जूस के साथ, और वहाँ से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाया। तो क्या आप जानते हैं कि ये नौजवान जो इतना ही प्रतिभाशाली है, उनके नाम पे 10 इन्वेंशन से 10, 17 साल की उम्र तक उन्होंने 10 इन्वेंशन कर चुके हैं। 2 पेटेंट है। कौन सा? मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू बनाना स्टेम एंड मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू पेपर वेस्ट। तो पेपर जो वेस्ट हो जाता है और कुछ केमिकल्स को मिक्स करके उसके द्वारा भी इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे पैदा किया जा सकता है। मैं ये वीडियो हिंदी में इसलिए बनाया कि क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे भारतवर्ष में जो नौजवान है इस वीडियो को देखे। हम जब बातचीत करते हैं, क्या हम इन लोगों के बारे में बातचीत करते हैं या तेंदुलकर सलमान खान के बारे में बात करते हैं? सिर्फ तेंदुलकर और सलमान खान के बारे में बात करके हमारा कोविड नहीं निकल सकता है। हमारे देश में आवश्यकता है साइंटिस्ट की, वैज्ञानिकों की, डॉक्टर्स की। जब कोविड आता है, शायद बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया देते हैं, डोनेशन देते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें उन साइंटिस्ट की आवश्यकता है, उन डॉक्टर्स की आवश्यकता है जो इसका इलाज करें, है कि नहीं? सो द नीड ऑफ द आवर इज द साइंटिस्ट, द डॉक्टर्स हु कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम हीरोज की बात करते हैं, हम उन हीरोज पे ध्यान दें, शायद हम जिनके बारे में सोचते नहीं। और खूबी मैं बताना चाहता हूँ गोपाल जी की, कि उनको ऑफर मिला नासा से, 3-3 बार उन्होंने नकार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट किया कि आप अमेरिका में आइए, हमारे साथ काम कीजिए। तो क्या आपको मालूम है गोपाल जी, ये छोटा सा नौजवान, क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे देश में ही रहना है, और मेरे देश में रहकर यदि मैं अपना काम करूँ या फिर फैक्ट्रीज हो, तो काफ़ी लोगों को नौकरी मिल सकती है। तो यह नौजवान जो करोड़ों रुपया कमा सकता है बाहर जाकर, नाम शोहरत, उन्होंने क्या सोचा, नहीं मैं अपने देश के लिए काम करूंगा। तो ये होता है हमारे देश का हीरो, जो खिलाड़ी या जो मनोरंजन करता है उससे काफ़ी बड़ा हीरो है, जो खुद गरीब रहकर भी वो ये चाहता है कि दूसरे गरीब लोगों की मदद की जाए अपने प्रतिभा के द्वारा। तो मैं ऐसे नौजवान को सल्यूट करता हूँ, ये मेरे लिए हीरो है, और गोपाल जी का मैं एक फैन बन चुका हूँ। और मेरी शुभकामना है कि गोपाल जी तरक्की करें, उनका अच्छा नाम हो, शोहरत हो, और उनके वजह से हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनको भी नौकरियां मिले।
तो गोपाल जी यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मुझे खुशी होगी, और मैं चाहता हूँ आप लोग गोपाल जी के बारे में जानें। यह वीडियो इसलिए नहीं बनाया मेरे खुद के लिए, मैं चाहता हूँ जो हमारे ऐसे नौजवान है, साइंटिस्ट है, APJ अब्दुल कलाम, गोपाल जी, इनके बारे में बातचीत करें, तभी हमारे देश का तरक्की हो सकता है, विकास हो सकता है। सिर्फ खिलाड़ियों के बारे में बात करके, फिल्म स्टार के बारे में बात करके हमारा समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हमें अच्छे इंसान होने की ज़रूरत है, जो गोपाल जी में है, नेक दिल इंसान, और जो प्रतिभा है वो हम अपने देश के लिए या इंसानियत के लिए उसे प्रयोग करें। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।